आइए दोस्तों, यहाँ पे एक चाइनीज़ टीवी आ रहा है जिसका फॉल्ट देखिए पावर आ रही है, तो स्टैंड बाय रिलीज करेंगे, रिलीज करके देखेंगे फॉल्ट क्या है। आइए दोस्तों, स्टैंड बाय रिलीज करेंगे, स्टैंड बाय रिलीज कर दिया, करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हल्का सा लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हम इस टीवी को ओपन करमेंट कर रहे हो, देखिए दोस्तों यहाँ पे 170 वोल्ट आ रही है, 27 वोल्ट ए भी सही है, 11 वोल्ट ए भी सही है, 16 वोल्ट ए भी सही है, जो एसटी सप्लाई जाती है 116 वोल्ट वो भी सही है, 8 GB के जो वोल्टेज है 149 वोल्ट वो भी सही है। आइए दोस्तों, यहाँ पे एक कोयल लगा हुआ है जिसको योक सप्लाई देने से काम करती है, योक को सप्लाई देने के से काम करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 160 वोल्ट आ रही है कॉल के इनपुट में, आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है, आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। आइए दोस्तों, पहले इस कॉल को हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम देखेंगे ये फॉल्ट सही हुआ कि नहीं। आइए दोस्तों, ये फॉल्ट ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ही होती है, इसलिए हमने अच्छे से इस बोर्ड को चेक किया कि कॉल के, इसलिए चेक करेंगे कॉल के इनपुट में वोल्टेज था, आउटपुट में नहीं था, इसलिए पहले इस कॉल को हम कंटिन्यू टेस्टर में चेक करेंगे, जो ये फॉल्ट क्या है देखेंगे, दिखाएंगे ये फॉल्ट कैसे हम सॉल्व किया। आइए दोस्तों, इस कॉल को हमने चेक किया, चेक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस कॉल काट चुकी थी, इस कॉल को हम लगाना पड़ेगा, लगाने के बाद हम चेक करेंगे ये फॉल्ट सही हुआ कि नहीं। आइए दोस्तों, इस कॉल को हमने लगाने के बाद अच्छे से सोल्डरिंग किया, अब स्टैंड बाय रिलीज करेंगे दोस्तों। स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद देखिए ये फॉल्ट जो था वो सॉल्व हो चुकी है। ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना।